मुंबई मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर विनोद, तो मैं उनसे मिलने के लिए आता जाता रहता था। तो उसी मीटिंग में मैं दीपक जी से मिला और हमने कई बार चर्चा की कि मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है, पहले से ही रहा हुआ है और मैं मूवी बनाना चाह रहा था, इंतज़ार कर रहा था कोई बढ़िया स्क्रिप्ट मिले, कोई अच्छी स्टोरी मिले और अच्छे सब्जेक्ट को लेके कोई कहानी मिलेगी तो ज़रूर मैं बनाऊंगा। तो इनके पास लकली ये कहानी थी, इन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाया, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और मेनली ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा है और इसमें बहुत सारा मैसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दिखाना चाहते हैं और सारे लोगों को बताना चाहते हैं। मिडिल क्लास के अलावा हर कोई फैमिली वाला, चाहे फैमिली पर्सन हो, पेरेंट्स या स्टूडेंट या कोई इंसान जो अपना, कोई स्टूडेंट है जो अपना करियर बना रहा है, करियर के लिए क्या कैसे वो लोग कई बार गलत कदम उठा देता है या कैसे सेलेक्ट करता है या समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए या जो भी होता है, तो ये कहानी मेनली उन्हीं लोगों के लिए है। तो जब मैंने कहानी सुना तो मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर मैंने बोला ठीक है मिल के बनाते हैं और फिर वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद इन्होंने, हम लोग अपने जो भी नए लोग, नए जो टैलेंट हैं जिनको मे भी हर लोग आज के टाइम में कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर है या कोई बड़ी बैनर है, वो लोग जो पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं काम या किया हुआ है, तो जनरली वो लोग उन्हीं को चांस देते हैं। मेरा आइडिया था कि नया टैलेंट, कोई भी नया टैलेंट है जिनको कुछ करना है और मे भी कुछ रीज़न से उनको चांस नहीं मिल रहा है या मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मेरा ये भी एक उद्देश्य था कि कोई नया टैलेंट है जिनको आगे आना है, सपोर्ट की ज़रूरत है या अपना पहले कहीं और कर रहे हों अपने इंडस्ट्री में, मे भी अपने रीजनल कुछ कर रहे हों या दूसरे इंडस्ट्री में बट और आगे कुछ आना चाहते हैं, तो ऐसा करके हमने वन बाय वन फिर सारे स्टारों को सेलेक्ट किए और फिर आज ये मूवी बन के तैयार है आप लोगों के सामने। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि डेफिनेटली ये सबको पसंद आएगी, ये कहानी कहीं ना कहीं सबसे जुड़ी होगी, आप सब लोगों से जुड़ी होगी या नहीं भी जुड़ी होगी तो आप लोगों के सामने ऐसी कोई कहानी चल रही होगी तो ये ज़रूर सबको अच्छी लगेगी ये कहानी। Firstly, thank you everyone for coming here and making a part of this event a grand success. So my aapne mera introduction diya hai, myself is Deepak Baldev, I belong from South India, Hyderabad. So maine apne south mein kaafi kaam kiya tha, I was into casting, I was into line production. So based on that humne ye film ka design kiya. और जब हमने डिज़ाइन किया तो इसमें जितने कलाकार हैं, बिकॉज कंटेंट इज़ द किंग, हम ये मानते हैं कहानी अगर अच्छी हो तो, दमदार कहानी हो तो उसमें स्टार वैल्यू या फिर स्टाफ का स्टार वैल्यू तो हमेशा होता है, चरिश्मा होता है स्टार का, नॉट सीइंग दैट कि स्टार्स कैन नॉट पुल द फिल्म, और उससे बड़ा स्ट्रॉन्ग हम ये समझते हैं कि कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन द स्टार्स। तो उसी माध्यम से हमने इसको नए आर्टिस्ट को हमने सेलेक्ट किया था, इसमें जितने कलाकार हैं इसमें बीट लीड एक्टर और द एक्ट्रेस और द कैमियो रोल जितने में किया सभी लोग नए हैं, और ऑफ कोर्स नए लोगों को साथ काम करने में चुनौती तो आती है, मे बी टाइम पंचुअलिटी और कैसे मान्य चीज़ें होती है जो वक्त के साथ हम लोग, वो लोग भी समझते गए, एक्ट्रेस भी समझते गए एंड एंड ऑफ द डे एक टीम बन के हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया एंड आप लोगों के सामने आज प्रेजेंट किया हम लोगों ने, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बना है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द ऑडियंस, दैट्स फॉर द शो। मेरा एक रोल है जो बहुत ही डिसेंट है, जिसमें उसको हिल स्टेशन बहुत पसंद है, मतलब वो थक चुका है इंजीनियर बन के काम करके पैसा कमा के हर जगह थक चुका है, पर उसको एक सुकून नहीं है फिर भी, तो वो सुकून के लिए वो हिल स्टेशन जाता है, तो वहाँ पे उसको खूबसूरत सी लड़की दिखती है तो वो सोचता है कि वही लाइफ है, उसी तरह उसको लाइफ जीनी चाहिए। जी जी सर जी, हमने लोकेशन सारा हमने इसको ऊटी
केरला में वायनाड एंड हैदराबाद में उसको शूट किया. एंटायर शूटिंग जो हमारी थी कम्प्लीटली ऊटी एंड वायनाड जो केरला का एक छोटा सा कस्बा है वहाँ पे हमने इसको किया. उसके अलावा हैदराबाद में रामोजी में किया है, सराउंडिंग हैदराबाद के पार्ट्स पे किया हमने इसको. जी जी नहीं जी नहीं नहीं ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमने जिसको कास्ट किया था जो हमारी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है तो इनको फिल्म हमारे रिलीज होने से पहले ही कुछ और अच्छा बढ़िया काम मिल गया तो अभी वो शूटिंग में व्यस्त रहने से आ नहीं पाए और ये प्रोग्राम पे वो अटेंड नहीं कर पाए. तो हम तो ऑलरेडी हम अपने आप को कामयाब समझते हैं कि हमने जिनको लॉन्च किया उनको फिल्म रिलीज होने से पहले ही साउथ में काम मिल गया, साउथ इंडस्ट्री में हमको, जिसके वजह से उसको सारी तैयारी चल रही है. 7 तारीख का जैसे अजय जी ने बताया कि 7 फरवरी को कर रहे हैं जरूर. एक कट करूँगा सॉरी, रिलीज़ के लिए मैं धन्यवाद करूँगा अपने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं आनंद कुमार जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है. उनके सपोर्ट से हम लोग प्लान कर रहे हैं. पहले हम इंडिया लेवल में कर रहे हैं, हमारा प्लान है कि 300 प्लस थिएटर में यहाँ रिलीज़ करेंगे इंडिया में. फिर आगे पब्लिक आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, अच्छा मिलेगा तो फिर हम और बढ़ाएंगे थिएटर्स. और हमारा प्लान है कि हम UAE या चाइना या अफ्रीका या और कहीं भी रिलीज़ करें. बेसिकली मैं वेस्ट अफ्रीका से हूँ. मैं बेस हूँ नाइजीरिया में पिछले 14 साल से और मैं बिजनेस कर रहा हूँ. तो मैं चाहूँगा कि अफ्रीकन्स मेरे भाइयों को भी दिखाऊँ. तो प्लानिंग अच्छी चल रही है और अनंत जी काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं. पहली बार तो मैं बहुत नर्वस था. एक्चुअली हर एक एक्टर एक नर्वस होता है पहली बार जब उसको काम मिलता है, जब वो सेट पे होता है. तो वैसा तो पहले नर्वस था, फिर डायरेक्टर जी थे बहुत ही फ्रेंडली है, वो वैसा माहौल बना देते कि लाइक आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो और आप अच्छा टेक दे देते हो. और यही मज़ा आया इनके साथ काम करके. और थैंक यू सर कि मुझे ऐसा बहुत सारा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है. और वैसे यहाँ पर आज मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम डैड, बिकॉज दे वेर ऑलवेज सपोर्टिंग मी फॉर दिस थिंग टू डू इट. जो तुझे जो करना है कर, बट देन सर ने भी साथ दिया, देन आई एम हियर डूइंग दिस लीड रोल. मज़ा आया एंड आई जेन्यूनली थिंक दैट यू पीपल विल लाइक दिस मूवी. एंड ये बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही रोमांटिक भी है एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट. एंड गाने इसके बहुत बढ़िया है. आई वुड लाइक टू थैंक संजीव जी, थैंक यू, इतना अच्छा म्यूजिक दिया है हमारे मूवी को, तो बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट क्वेश्चन संजीव जी आपसे है, हम आपको जब ये फिल्म मिली तो आपको गाने के लेकर क्या थॉट्स थे कि रोमांटिक फिल्म है तो किस टाइप के गाने चाहिए? वेल जैसे इस मूवी का नाम है ख्वाब सारे झूठे एंड इसमें इमोशनल एंड लव पूरा है इसके अंदर. तो मेरे को ये दो फीलिंग के साथ में ये गाने की रिक्वायरमेंट आई एंड आई एम कंप्लीट एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन. एक्चुअली आई स्टे इन पुणे, ही स्टे इन हैदराबाद. वी कोलैबोरेटेड थ्रू फेसबुक, वी सीन ईच अदर वर्क एंड देन आई हैव शेयर्ड हंड्रेड्स ऑफ ट्यून्स. ही रिजेक्टेड 99. ही इज काइंड ऑफ अ ब्लंट पर्सन हु सिंपली रिजेक्ट थिंग्स व्हेन ही डोंट लाइक इट. सो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आई इमोशनल की, देर इज़ अ क्लाइमेक्स सॉन्ग विच इज़ संग बाय द शाहिद माल्या. सो ही इज़ द मेन लीड सिंगर देयर हु हैज़ संग दिस सॉन्ग ख्वाब सारे झूठे एंड दैट बिकम्स अ टाइटल सॉन्ग. द अदर सॉन्ग इज़ द जिंदा हूँ सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज़ संग बाय मी एंड माय वन को सिंगर मीनाक्षी इज़ देयर. So these are, and Ruby song is also there. So we have multiple songs and we are just, our main motive was to entertain people, to carry the scene which is going on in the movie. And if that song can hold that and give, push the scene as much as it can and make people happy. And the Khwab Sare Jhoote was a pretty challenging job because that song comes under the semi-classical and we have to design it for something, a very climax Apache song. तो जो खाब सारे झूठे हैं वो आपने बस खाली एक लाइन लास्ट की सुनी होगी. सो आई कैन सिंग जस्ट टू लाइन. ख्वाब सारे झूठे काहे पंख लगाए. सो आई एम जस्ट अ सिंगर, आई जस्ट कंपोज द सॉन्ग. शाहिद माले एक्चुअली हैज जस्टिफाइड दिस सॉन्ग. आई थिंक दिस सॉन्ग कैन मेक पीपल क्राई.
But my lovely song is the Zinda Hoon song, which you have just now heard. Teri pana mein aake ha main zinda hoon, tere khayalon mein ha main zinda hoon. This is actually a song, I love it, and I hope the people is gonna like it, and we are trying our best to entertain people. मैं सवाल फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछना चाहूँगी कि जो ये आपका फिल्म का टाइटल है ख्वाब सारे झूठे, दिस इज एपिक, और तो ये आपने कहीं मतलब आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है ये टाइटल? सर्टेनली हमारे ख्वाब तो सच हो रहे हैं आज, जो हमने सोचा था कि हम डायरेक्टर बने, हमारी फिल्म बॉम्बे में पब्लिश हो, तो हमारे तो ऑब्वियसली ड्रीम कम ट्रू फॉर अस, तो उसके हिसाब से देखा गया तो ख्वाब तो सच होते हैं, लेकिन सच करने के लिए कई चुनौतियाँ होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक प्रोसीजर होता है, अगर वो सिस्टम के हिसाब से अगर कोई भी बंदा या कोई भी यंग जनरेशन की जो यंग इंडिया है वो अगर उसी प्लेटफॉर्म पर चले तो मार्गदर्शन मिलेगा, कामयाब बिल्कुल होगी, जो कि आजकल की युवा पीढ़ी में वो चीज़ नहीं नज़र आती, काफ़ी लोग शॉर्टकट्स मानते हैं या तो फिर स्ट्रगल करने का प्रोसीजर पता नहीं होता है, जिसमें वो लोग क्या होता है कि दे गेट स्टक इनटू द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वेयर लाइक द ड्रीम विल नेवर कम ट्रू. सो वी हैव जस्टिफाइड टू द स्टोरी व्हिच इज अ बर्निंग इशू टू द सोसाइटी, सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव डिजाइन दिस टाइटल. पूरा जस्टिफाइड कहानी पे ही जोड़ कर रहा है जी. ख्वाब सारे है, सारे सपने जो बेसिकली जो इस कहानी में से जो जुड़ा हुआ है मूवी के अंदर, जो लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन सभी के ख्वाब झूठे हो गए कैरेक्टर. बाकी बहुत सारा सस्पेंस भी है उसमें, और ऑडियंस या पब्लिक जो सोच के देखेगी मूवी उससे अच्छा मिलेगा. और नहीं, लव स्टोरी ब्रेक नहीं हुई है, बाकी फिल्म देखिएगा, आप जरूर देखिएगा. well, और आपको अच्छा लगेगा. वेल दिस इज द मैसेज बिहाइंड. यस दिस इज द मैसेज बिहाइंड. ख्वाब सारे झूठे. ये फिल्म आप और कौन से मीडियम में रिलीज करने वाले हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या ऑनलाइन मीडिया के अंदर आपका कुछ या हमारी बात चल रही है, एक दो जगह बात चल रही है एक दो कंपनियों से, तो डेफिनेटली हम डिजिटल में भी रिलीज़ करेंगे, और दूसरे लैंग्वेज में हुआ तो दूसरे लैंग्वेज में भी डबिंग का चांस मिलेगा तो वहाँ पे करेंगे, जिस क्योंकि ये कहानी हर एक स्टेट में हर लैंग्वेज वालों के लिए ज़रूरी है, उनको समझना देखना और सीखेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ. तो जैसे कुछ स्टेट में हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरी लैंग्वेज में भी बना के डबिंग करके और दिखाएं. तो सर आप लास्टली क्या-क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को और पब्लिक को, और क्या कहेंगे उन लोगों को और ये फिल्म का रिलीज होने वाली है? जी जी आपको बहुत शुक्रिया. ये बहुत ही खूबसूरत सा फिल्म है, सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. एज अ न्यू कमर ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था. प्लीज़ इसको ज़रूर जाके देखिए सिनेमाघरों में. 7 February को रिलीज़ होने वाली है 2020. वैलेंटाइंस के डे के एक हफ्ते पहले सबके ख्वाब सही भी होंगे. लवर्स जो हैं वो भी जाके देखें, उनको अच्छा कुछ मिलेगा. और फरवरी में आ रही है सबके सामने. ख्वाब सभी के सच होते हैं जैसे बताया मैंने आपको. इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द किस तरह से लाइफ को आप लोग एक्सेप्ट करते हो. सो ड्रीम्स डेफिनेटली विल डू कम ट्रू. इसके मिसाल हम खुद है, जितने इस फिल्म में लोग जुड़े हैं सारे लोग नए हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सपना देखा था. जैसे हमारे प्रोड्यूसर है अजय जी, वो ही खुद प्रोड्यूसर बनना चाहते थे, तो उनका भी आज ड्रीम फुलफिल हुआ कि एज बिकम प्रोड्यूसर. और मैं खुद एज डायरेक्टर बनना चाहता था, इट वॉज अ ड्रीम फॉर मी, अ लॉन्ग पेंडिंग ड्रीम. सो ख्वाब सच हो रहे हैं, बट उसके पीछे जो हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया है वो ज़रूरी होता है, जो कई लोगों में मिसिंग होती है. तो हम इस फिल्म से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ड्रीम्स देखिए लेकिन डिसिप्लिन भी फॉलो कीजिए साथ में. जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो कीजिए आप लोग, तो डेफिनेटली आप ड्रीम्स देखना गलत बात नहीं. हम ये नहीं कह रहे कि वी आर नॉट अगेंस्ट द ड्रीम्स. डू ड्रीम ड्रीम्स देखिए आप लोग, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो कर आप लाइफ में करोगे तो चाहे कितना बड़ा ड्रीम हो आप उसको डेफिनेटली हासिल करोगे कभी ना कभी. तो ये मैसेज हम इस फिल्म से पास ऑन कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी सुनाया, ख्वाब सारे झूठे, काहे पंख लगाए, सांस मोरा टूटे. सो जैसे अभी दीपक भाई ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैसेज लोगों तक में जाए, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारे सॉन्ग के थ्रू वो मैसेज बहुत क्लियरली लोगों तक जाए, एंड दे कैन फील इट, नॉट ओनली दे कैन अंडरस्टैंड इट
दे कैन फील द म्यूजिक, दे कैन फील द इमोशन ऑल टुगेदर. सो यही हमारी हमने काफ़ी कोशिश की है ताकि वो लोगों तक जाएं एंड मेक दम फील व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू. थैंक यू. थैंक यू टू संजीव जी, अजय जी, और वेरी नाइस टीम डेट यू हैव टर्न आप. और आप सभी तो हमेशा से साथ देते हैं, मेरा तो हमेशा से दिया है. एक नई शुरुआत, नई पहचान है, तो क्यों ना हम सब इनका भी साथ दें और इनकी फिल्म को भी आगे बढ़ाएं. ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को एक नया चांस, एक नया मौका दिया जाता है. दीपक जी इज़ डूइंग दैट एंड कंग्रेचुलेशन टू अजय जी, टू यू टू ऑल्सो, एंड यू हैव अ फैंटास्टिक कास्ट. सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड आप लोग तो हैं ही एक्चुअली, वी डोंट हैव टू से आप लोग यहाँ हैं. सो डेफिनेटली जब भी हम कोई नया काम करते हैं और उसमें सब लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. सो आई होप आप लोग और हम सब मिलकर ये छोटे छोटे जो यू नो स्टेप लेते हैं उसमें सबको हेल्प करें एंड वी रीच टू अ ग्रेटर हाइट. सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. आप लोग थोड़ा फ्रेशन अप जूस.